अजी बहन जो सिर्फ टूरिस्ट के लिए कपड़े पहन के आ जाते, ये पता नहीं क्या चीजें है ना, ये नजर आ रही है ये सेकंड हैंड जूते हैं और ये बड़ा ही जबरदस्त, मुझे जूता बड़ा ही पसंद आया ना ये वाला, ये बिल्कुल बहुत का धाना है ये, और मेरा डॉलर खर्च करने को दिल नहीं करता। हाँ जी, ये जो ब्रिज आती है तो जो इनका जो मैंने ब्रिज जो सामने नजर आ रही है वाला, ये इनका बॉर्डर है, ये देखिए जी ये ट्रक गुजरी है, मैं फिर आपको दिखाता हूँ। ये जैम्बिया का और जिम्बाब्वे का ऑफिशियल बॉर्डर है जी, ये अभी मैंने इमिग्रेशन क्रॉस किया, अपनी एग्जिट स्टैंप लगवाई है यहाँ से, ठीक है, इस बॉर्डर से, और अभी मैं जिम्बाब्वे में एंटर हो गया हूँ। हाँ जी, ये जो जगह है जहाँ पे बंजी जंप जो है ना वो करवाया जाता है, ये बार टाइप की उन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे इनकी जो फीवर है वो पे करनी है, और उसके बाद जो है ना बंजी जंप शॉट आउट करना है। अच्छा यार, एक और लांजा हो गया है, इंटरनेट पे मैंने प्राइस चेक की है, हर जगह पे $160 है, ठीक है, यहाँ पे आया हूँ, मुझे तो ये एजेंट लग रहे हैं, कहते हैं कि जी हम लोग एजेंट नहीं है, हम लोग बंजी जंप ऑपरेट करते हैं, मुझे वो लोग और लग रहे हैं, तो कहता है जी हमारी जो है ना वो फ़ी वो $168 है। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, मेरे रशियन फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने आज ही की है बंजी जंपिंग, 160 पे किए हैं, ऑनलाइन 160 है, और आप लोग 168 चार्ज कर रहे हैं। तो अभी कहते हैं जी मैं ऑपरेशन मैनेजर को बुलाता हूँ, उससे बात करता हूँ, मैं तो 160 नहीं पे करूँगा, 160 में अगर करवाते हो तो ठीक है, नहीं तो यार मेरा इनके साथ थोड़ा सा फड्डा सा हो गया, फड्डा ये हुआ है कि जी पूरे इंटरनेट के ऊपर, ठीक है जी, और जितने भी मुझे लोग हॉस्टलों के अंदर मिले हैं ना, हर जगह पर $160 का जो है ना फ़ी है, लेकिन यहाँ पर ये साहब आके मुझे कह रहे हैं कि जी 168। तो मैंने इनसे प्राइस एग्री नहीं की, मैंने कहा मैं अपनी लक ट्राई करता हूँ, मैं दूसरी तरफ जाता हूँ, पूछता हूँ और देखता हूँ क्या सूरत है, अगर मुझे 168 देना पड़ा तो मैं दूंगा, नहीं तो मेरा 160 का टारगेट है, उससे मैं $1 ऊपर नहीं दे जाने वाला चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जी, ये मुझे मेरा ब्रदर मिला यहाँ पे, ये मुझे मेरे साथ आ रहा है, एंड ये सेल कर रहा है कॉपर, प्योर कॉपर है, कॉपर यहाँ पे जैम्बिया के अंदर होता है बेसिकली, और ये $15 का है, ये सारे तीनों चारों $15 के है ना, मुझे कहता ले ले रूमेटिज्म, व्हाट एल्स, आर्थराइटिस, और जो दूसरी बीमारियों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। तो मैंने कहा यार मैं मुझे तो मैं तो खरीद पहनता नहीं हूँ, अपनी मिसेज से पूछ के ना अगर मुझे पसंद आया या किसी और को पसंद आया तो मैं तुझे बताऊँगा ना, ठीक है, थैंक यू यार। बड़ा रिप ऑफ कंट्री है भाई, मैं तो समझ रहा कि $30 होंगे वीज़ा फ़ी जिम्बाब्वे की, मैंने यहाँ पर सिर्फ घंटे के लिए मैं आया हूँ सिर्फ इस साइड पर जो है ना ये जो आबशार है इसको देखने के लिए, इन्होंने $55 चार्ज कर लिए, कहते जो तुम हमें करते हो ना जिस तरीके से ट्रीट वैसे ही हम लोग करते हैं, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, उन्होंने सही तरीके से ठोका लगाया मुझे 55, बाकी सबको जो है ना $30 चार्ज किए हैं और मुझे चार्ज किए हैं इन्होंने जी $55, क्योंकि मुगाबे साहब ने कोई पंगा लिया तो क्वीन के साथ, नहीं सर क्वीन ने पंगा लिए थे मुगाबे साहब ने, मुगाबा जो इनका पीछे वाला प्रेसिडेंट है, तो इन्होंने बड़े सख्त किस्म की जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी बड़े इंग्लिश नेशनल्स के लिए ना यहाँ पे दाखिल होने के लिए। मैंने कहा ठीक है भाई $55 ले लो। अच्छा $55 लेने के बाद जो है ना अब आगे जो इस साइड पे जो वाटरफॉल का व्यू देखने की फ़ीस पता कितनी है, वो $50 अलग से देने पड़ेंगे, वहाँ पे मैं पे करके आया हूँ 400 kwacha जो है, जो कि समझ लें उससे आधी, ये मैं समझ नहीं, शायद उससे भी कम हो ना, इसी वजह से टूरिस्ट आते नहीं लोगों के पास, इधर इतने पैसे पे करो, इधर इतने पैसे पे करो, इधर इतने पैसे पे करो, अभी तक मैंने यहाँ पे ना कुछ खाया है ना पिया है और $200 खर्च करके बैठा हूँ ऑलरेडी, कमाल है यार। यहाँ पे जो इतनी शॉप्स है ना, इन्होंने मुझे किसी ने मुझे बताया कि ट्रिक इन लोगों को ना 20% डिस्काउंट मिलता है, तो मैंने इस शॉप वाली को अप्रोच किया, ये कॉल करके उनसे ना रेट पूछ के मुझे बता रही है, अगर $160 में बंजी हुई ना तो मैं कर लूँगा, 168 मैंने नहीं पे करना चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखिए जी क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, ये देखिए अजी बहन जो सिर्फ टूरिस्ट के लिए कपड़े पहन के आ जाते हैं इस तरह के से, अभी टूरिज्म के नाम पे बस रह गए ये वाले से। गर्मी पड़ रही है, पसीने से बुरा हाल हो रहा है, ये अपनी दुकानदारी खोल के बैठे हुए यहाँ पे देख लें।
यार एक बात है, टूरिस्ट जगह पे भी जहाँ पे भी चले जो डॉलर्स जो है ना बैंक से धड़ाधड़ खर्च होते हैं, और मेरा डॉलर खर्च करने को दिल नहीं करता। अब यहाँ पे इस क्यू में लगना है, ये यहाँ इनकी साइड की जो वो जो है ना विक्टोरिया फॉल है जो बड़ी खूबसूरत लग रही थी, और यहाँ पे $50 यहाँ पे करने पड़ेंगे, $50 यहाँ पे और पे कर दिए। और वैसे यहाँ पे हाउ मच इज फॉर ज़ैम्बियन? $30 $30 in provision of the passport or ID or any particular that. Yeah. Sure. Okay. Even a permit, arrest permit for Zambia, we consider that. Right. Okay. Yeah. Thank you. So, अभी टिकट ले लिया है, अभी यहाँ से अभी जाने को लेकर। Thank you. Sure. Thank you. Security from UK. Thank you. Thank you. Okay. यहाँ पे इनके खाबे खुबे का सिलसिला चल रहा है यार। पानी की सूरत देखते हैं क्या है। क्या मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको अप क्लोज दिखाऊँ ना किस तरीके से ना, मैं सोच रहा हूँ कि ये जो बैरियर लगा हुआ ना ये वाला, इसके ऊपर से गुजर के ना किस तरीके से पढ़ली तरफ जाऊँगा, और आपको बिल्कुल क्लोज से दिखाओ यार अगर मुमकिन हो सके तो। देखते हैं कि अगर मैं उधर से जा सकता हूँ भी हूँ या नहीं, वैसे मैं बैरियर क्रॉस करके आ गया उधर से, मैं यहाँ से उधर के देखता हूँ। बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पे, मतलब स्लिप भी हो सकता है। काफी स्लिपरी है यहाँ पे ना, ये देखें ये पता नहीं क्या चीजें हैं ना, ये देखें नजर आ रही है आपको, काफी बहुत ज्यादा स्लिपरी है यार यहाँ पे तो। काफी स्क्विशी जमीन पे ना, काफी स्क्विशी फील हो रहा है बिल्कुल। मैंने धाने पे आगे खड़ा हो गया इसके फॉल के ना, ये देखें यहाँ पे आइए फॉल देख रहे हैं, नजर आ रहा है, हो सकता है कि कैमरा जस्टिस कर रहा हो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल बहुत का धाना है ये। ओए ओए मेरे और फॉल के दरमियान में सिर्फ 2 मीटर का फासला है, ज्यादा मैं करीब जाना नहीं चाहता, और मैं वापस जा रहा हूँ अपना, क्योंकि आसमान पे हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, ये ना कोई ट्रबल हो जाए। और अब पानी की ऐसे फवार सी पड़ रही है ना, काफी खुशगवार है। वैसे मुझे करना नहीं चाहिए था जो मैंने किया, जो अगर मुझे किसी ने देख लिया ना तो यहाँ पे $200 का फाइन लिखा हुआ था। यहाँ से मैं आया था और अब मैं वापस जा रहा हूँ इधर से। ये लगी, ये मैंने यहाँ से आपको व्यू दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, और मैं वहाँ पे खड़ा था, वो जो जगह देख रहे हैं आप लोग। ये यार कसम से, बस मैंने कहा YouTube बनाने के लिए डेयर डेविल तो बनना पड़ता है भाई, लेकिन मुझे नहीं पता यार इस कैमरे के अंदर ना इतना अच्छा है, क्योंकि इसका जो लेंस है ना बड़ा अजीब सा लेंस है, जस्टिफाई नहीं करता, जो असल जो सीन की जो ब्यूटी होती है ना उसको नहीं सही कैप्चर कर सकता ना, पता नहीं क्या चक्कर है। लेकिन वो तो अब जाके देखेंगे जब इसको डालेंगे स्क्रीन के ऊपर, तो देखते हैं कैसी फुटेज बनी है। और यार मैं आपको, मैंने कहा सारी यार मैं आपको जो है ना जो अप क्लोज व्यू नहीं दिखा सका इस आबशार का, ये यहाँ से चेक करें, आपको बाहर ऐसे लगेगा दूर है, लेकिन ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही आपकी आंखों के सामने है ये वाला सिलसिला यहाँ पे। ये देखें मेरी बैटरी 16% रह गई है, ये देखें यार ये सीन है जी भाई। देख रहे हैं
वो नजर आ रही है, क्या उसे कहते हैं, रेनबो, डबल डबल रेनबो यहाँ पे नजर आ रही है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे लाखों जो टन जो है ना पानी कम अज कम यार रिहाई के अंदर गिरा, और बहुत बड़ी मकदार में गिरा बिल्कुल, और हल्के हल्के ना हवा के अंदर ड्यू ड्रॉप से है ना, जैसे नहीं होते वो जो नमी सी होती है, ऐसा लग रहा है हल्की हल्की जो नमी सी बारिश सी हो रही हो जैसे। अच्छा, शाम के 3 बजने के आसपास का टाइम है, और ये मैं जब जिम्बाब्वे से दाखिल हो रहा हूँ जैम्बिया के अंदर, ये बॉर्डर पोस्ट है जैम्बिया, और जिम्बाब्वे के दरमियान में यहाँ से मैं दाखिल हो रहा हूँ। अभी मुझे एग्ज़िट करवानी पड़ेगी, उसके बाद जो मुझे है ना वो करवानी पड़ेगी एंट्री जैम्बिया के अंदर। 10 सेकंड के अंदर जिम्बाब्वे के जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उन्होंने जनाब 10 सेकंड के अंदर जो है ना एग्ज़िट स्टैम्प लगा दी है। अब ये दोबारा से मैं जैम्बिया के अंदर दाखिल होने जा रहा हूँ जी। बैंक 1 घंटा 35 मिनट के उन्होंने $55 ले लिए मेरे से, इतना मुझे गुस्सा आया ना बता नहीं सकता। आगे से $50 उन्होंने उसके ले लिए। सफारी है तो सही, लेकिन सफारी बहुत महंगी है यहाँ पे। अगर आपने जानवर देखने हैं तो आपको व्हीकल हायर करनी पड़ती है, अगर आपको इससे ज़्यादा शौक आप फ्लाइट ले सकते हैं अगर आपने जानवर देखने का इतना शौक है। आसमान पे हर टाइम है ना इस वक्त हेलीकॉप्टर उड़े हुए हैं आसमान पे, बर्ड आई व्यू ले रहे हैं मतलब इस सारी फॉल का ना। okay. यार ये मुझे यहाँ पे एक दोस्त मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। हेलो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मुझे यार मेरे जो जूते ना ये मुझे मुझे बड़ा तंग कर रहे हैं ना यहाँ से, मुझे इनकी जो है ना ये जो चीज़ है यहाँ से मुझे तंग कर रही थी, ठीक है। तो ये मैंने इससे पूछा, ये मुझे जूते ये इसने मुझे दिखाए जूते ये वाले, ये सेकेंड हैंड जूते हैं, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त मुझे जूता बड़ा ही पसंद आया ना ये वाला, ये जो मैंने पहना हुआ ये वाला बड़ा ही लाइट है, बड़ा ही मज़े का जूता है यार कसम से बस। लेकिन जो है ना ही वॉन्ट्स $20, इट्स अ सेकेंड हैंड ट्रेनर यू नो, $20 आता है, यू नो दैट्स बिट टू मच ब्रदर, दैट्स बिट टू मच। That's where we get them, so when for them to reach from there to reach here. No, you found me tourist rice, so you think like I'm a cash cow. No, let's just get some money. No, eh? You can ask everyone around here. No, sir. No, just be honest. How much you gonna charge? I really like these trainers. Yeah, they're really, really very comfy. Okay. Because, okay. No, they're not new. They're second hand. $20. Okay. You can. That's just from where we buy them. Yeah, so come on then. They are very. Very, very well. Very expensive. Very expensive. How much they cost you then? I got them at 14. 14? Yeah. And you're making just $6? Yeah, that's my profit. Yeah, this is the way we live here. Yeah. Almost pura din spend kar liya Victoria waterfalls ke upar, bungee jump bhi kar liya. Aur apne jo ek jo tick box hota hai wo bhi kar liya. Aur abhi wapas ja rahe hain. In bhai se pucha ke khana khane ke liye kidhar leke jana. Ye kehta ji mere main tujhe रेस्टोरेंट रिकमेंड करता हूँ। इनके अपने ताने बाने मिले होते हैं रेस्टोरेंट वालों से, वो इनको मतलब है कि सॉर्ट आउट कर देते हैं ना, तो ये मतलब अपनी मर्जी के रेस्टोरेंट पे लेके जाते हैं टूरिस्टी स्टफ। मुझे टूरिस्टी खाना वैसे नहीं पसंद, मैंने सीखा कि मुझे कोई लोकल जो स्टफ है ना जहाँ पर लोकल खाना मिलता है मैंने वो उधर जाना है। ये इधर आइए भाई शाइए कर रहा है, लेकिन मैं टाउन सेंटर में जाके ना कहीं से लोकल इनका जो कहीं से खाबा मिलता है ना, इनका जो पुराने जैसे पुराने लाहौर का खाबा नहीं होता उस तरह का खाबा कैसे ढूंढता हूँ जाके, और आपको भी अपने साथ लेके चलता हूँ।